नमस्ते फ्रेंड, मैं कल्याणी आज लेके आई हूँ एक अलग सा वीडियो, बिल्कुल प्याज लहसुन के बिना और बहुत ही टेस्टी बनता है। जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और देख के पता लग ही गया हो गया, देखिए मैं आज केले के फूल का सब्जी बना रही हूँ। तो सबसे पहले केले का फूल लिया और ये थोड़ा सा कड़वा होता है, तो इसलिए इसका भी बनाने का टेक्निक थोड़ा सा अलग है, तो ऐसे चूमना पड़ेगा जैसे मैं कर रही हूँ। तो देखिए व्हाइट वाला पोर्शन निकाल दिया, निकाल के इसको भी डालूँगी मैं सब्जी में। तो देखिए चूमने का तरीका कैसे होती है। सबसे पहले ये बाहर वाला जो है वो निकाल दिया और एक माचिस की तिल्ली जैसा वो भी निकाल दिया। निकाल के पीछे वाला हार्ड वाला पोर्शन भी निकाल देंगे और ऐसे जो ऊपर ऊपर का है वो साफ करेंगे। फिर जो इससे कोमल कोमल सा है उसको बस जस्ट ऐसे कटिंग कर देंगे, बस ऐसे करके साफ करना है। पूरी केले के फूल को मैं ऐसे ही साफ कर दूंगी। अब देखिए सारा साफ हो गया, तो देखिए इसको कटिंग करना है छोटा छोटा करके। देखिए इस अलग अलग तरीके से साफ किया और इसको भी डालूंगी। देखिए एक पतीला लिया और ऐसे छोटा छोटा काटना है, छोटा छोटा काटने से ज्यादा अच्छा होता है। फ्रेंड मैं बिल्कुल प्याज लहसुन के बिना बनाऊंगी ये सब्जी, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं रहेगा, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को, और आप ट्राई करके अगर अच्छा बनता है तो फिर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए इस तरीके का काटना है। तरीके का सारा काट लूंगी मैं, वो जो अंदर वाला हिस्सा व्हाइट वाला निकाल के रखा है उसको भी काट के दूंगी। देखिएगा उसको कैसे काटते हैं। देखिए ये इससे काटने में मुझे आसानी होती है, तो इस वजह से मैंने ये बोटी लिया, इससे काट रही हूँ। आप लोग किसी से भी काट सकते हैं। पूरा काट के डालेंगे इसको। और बिल्कुल छोटा छोटा करना है फ्रेंड। ये काटने से हाथ बहुत काला हो जाता है। तो देखिए पूरा काटना हो गया। अब इसमें नमक डाल के रख दूंगी, थोड़ा ज़्यादा नमक डालेंगे, डाल के मिक्स करके एक घंटा करीब रख देंगे इसको हाथ से मिक्स करके। देखिए इस तरीके का मिक्स करके रख दिया। अब मैं मसाला पीस लेती हूँ। थोड़ी सी कच्चा चावल लिया और आधा इंच अदरक का टुकड़ा और जीरा 1 टेबलस्पून और 4 इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और हरी मिर्ची, आप लोग जितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। और इसको हम पीस लेंगे, पानी डालना भी ज़रूरी है, थोड़ी देर भिगो के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि चावल भीग जाएगा तो पीस बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए मेरा जो केले का फूल में नमक मिला के रखी थी
वो पूरा मिक्स्ड हो गया। अब इसको पूरा हाथों से ऐसे निचोड़ निचोड़ के इसका सारा जो कड़वा पानी है सारा निकाल देना है। और फ्रेंड ये केले के फूल का सब्जी बहुत फायदेमंद है। देखिए इस तरीके का पानी निकाल दूंगी मैं। देखिए कितनी सारा पानी निकला है। अब इसको निचोड़ निचोड़ के पूरा पानी इससे निकालना है, बिल्कुल दोनों हाथ के इससे निकालेंगे। देखिए इस तरीके का निकालना है। और इसमें नमक बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से सादा पानी से दो चार बार धो लेंगे बिल्कुल मसल मसल के। देखिए इस तरीके का सादा पानी से अच्छा से धो लेंगे इसको। ताकि नमक निकल जाए इससे। फिर भी थोड़ा बहुत नमक रहता है सब्जी में, थोड़ा नमक का ये कम कर दीजिएगा। देखिए इस तरीके का कम से कम तीन बार तो धोना ही है, मैंने आपको एक ही बार दिखाई हूँ। अब मैं गैस पे चली आई। देखिए कढ़ाई गरम कर लिया, इसमें सरसों का तेल से ज़्यादा अच्छा बनता ही है। देखिए आलू इतना छोटा छोटा काट के लिया, आलू को पहले फ्राई कर दूंगी। आलू को ज़्यादा फ्राई नहीं करूंगी, 60% फ्राई करूंगी आलू को। देखिए हो गया आलू फ्राई। अब जो मैं केले का फूल ऐसे निकाल के रखी हूँ मसल के, तो उसको भी डाल दूंगी। देखिए उसी तेल में आलू के साथ ही, तो इसको थोड़ा फ्राई करूंगी। बहुत लोग इसको बॉईल कर लेते हैं, तो बॉईल करने से कड़वापन नहीं जाता, तो इसी वजह से मैंने इस तरीके का बनाई हूँ। देखिए बिल्कुल हो गया ये। अब देखिए फिर से मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया। जो दो तेज पत्ता ले लिया तेल में, तेल गरम होते ही सूखा मिर्ची साबुत दो। और देखिए हल्का सा चीनी कलर के लिए डाल रही हूँ मैं, ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालने से चलेगा चीनी। और पांच फोरन डाला, देखिए पांच फोरन डाल के तड़का चटक जाए उसके बाद देखिए जो मैंने मसाला पीस के रखी थी उसको डाल दूंगी। देखिए अच्छे से भूनना है इसको मसाला को। हल्दी डाल देना है और नमक, नमक बिल्कुल कम डालिएगा क्योंकि जो केले के फूल में ऑलरेडी थोड़ा बहुत नमक हो गई, जितना भी धोएंगे थोड़ा नमक हो गई। तो इस तरीके का भुना, देखिए पूरा तेल अलग हो गया मसाले से। अब देखिए भुना हुआ जो केले का फूल, आलू ये सब डाल दिया, डाल के इसको अच्छा से मिक्स करके थोड़ी देर भुनेंगे, उसके बाद बॉयल होने के लिए पानी डाल देंगे। और इसको सिम आंच में थोड़ी देर पकाना है ढक के। देखिए हमारा सब्जी बन गया। बनने के बाद थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे इसके ऊपर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। देखिए सब्जी बन गया मेरा, बहुत ही टेस्टी है।